Assalamualaikum दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं और आसान टॉपिक्स भी, क्योंकि ये टॉपिक्स हमने पहले पढ़ लिए हैं। आज हम सेशन 337 ओ को पढ़ेंगे और 337 ई को पढ़ेंगे। 337 ओ ये है वरी इन केस ऑफ हर, चूंकि हमने पहले पढ़ा था 305 में वली इन केस ऑफ कत्ले अमद, तो उसमें जो चीजें थे वो इसी में भी हैं। इसमें ये कुछ चीजें बता रहा है कि इन केस ऑफ हर्ट द वली शैल बी द विक्टिम, यानी वली कौन होगा अगर कोई किसी को जरूर पहुंचाए तो उसका वली कौन होगा। तो इस सेक्शन में बताया जा रहा है कि पहले तो जो विक्टिम है वो होगा। सेक्शन 305 को जो हमने पढ़ा था उसमें तो विक्टिम कत्ल हो जाता है, तो वो तो हो नहीं सकता, इसलिए विक्टिम का जिक्र उसमें नहीं था। और यहाँ चूंकि विक्टिम जिंदा होता है तो विक्टिम भी वली हो सकता है, उसको जरर पहुंचाया गया होता है। प्रोवाइडेड दैट इफ द विक्टिम इज माइनर और इंसेन, His right of qisas shall be exercised by his father or paternal grandfather, who high soever. अगर वो victim वो minor हो यानी नाबालिग हो या वो insane हो, होश हवास में ना हो, बेहोश हो किसी वजह से, तो फिर वो हक के साथ वो किसके पास होगा? वो उसके बाप के साथ, वालिद साहब के पास होगा, या paternal ग्रैंडफादर यानी उसका जो दादा है, बाप का बाप, अबुल अब जो उसका है उसका दादा वो होगा, या हो हाई सोएवर, या अगर बाप नहीं तो दादा, दादा नहीं तो दादा का बाप अबुल जद वो होगा। अच्छा, द हायर्स ऑफ द विक्टिम इफ द लेटर डाइज बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ किसास, लेटर का मतलब है मुअख्खर जिक्र, पहले से जिक्र किए गए, तो पहले से ये फादर का जिक्र किया गया, ग्रैंडफादर का जिक्र किया गया, हो हाई सो एवर का जिक्र किया गया, तो अगर इनमें कोई भी नहीं है तो विक्टिम का जो वरसा है, हायर्स हैं, वो वली होंगे। वरसा का मतलब इसका भाई हो सकता है, इसका चाचा हो सकता है, इसका बहन भी हो सकती है। विरासत में जो वरसा आपने पढ़े होंगे, जितनी भी इसके वरसा है, जितने लोगों को इसका मीरास दिया जा सकता है तो वो इसकी वली हो सकते हैं। ये शॉर्ट सी सेक्शन है, इसमें इतना कुछ नहीं है, आसान है। और आगे फिर कहते हैं कि द गवर्नमेंट इन द एब्सेंस ऑफ विक्टिम और हायर्स ऑफ द विक्टिम, यानी अगर कोई वारिस नहीं है, उसका अबू नहीं है, दादा नहीं है, तो कोई भी नहीं है, तो फिर हुकूमत उसका वारिस होगी, हुकूमत उसका वली होगा, उसका हक किसास गवर्नमेंट क्लेम कर सकेगा। ये आसान है। आगे है 337 एग्जीक्यूशन ऑफ किसास फॉर हर। पहले 314 में हमने पढ़ा था, 314 में एग्जीक्यूशन ऑफ किसास फॉर कत्ल अहमद, उसमें जो बातें थी वही यहां भी हैं, वही बातें यहां भी हैं। कहते हैं कि किसास शैल बी एग्जीक्यूटेड इन पब्लिक और बाय एन ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर हु शैल बिफोर सच एग्जीक्यूशन एग्जामिन द ऑफेंडर एंड टेक ड्यू केयर सो एज टू इंश्योर दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ किसास डज नॉट कॉज द डेथ ऑफ द ऑफेंडर और एक्सीड The hurt caused by him, the victim. इस क्लास में कहते हैं कि जो किसास की तामील होगी इन हर्ट की सूरत में, जरर की सूरत में, वो कौन कर सकेगा? वो अथराइज मेडिकल ऑफिसर, वो मेडिकल ऑफिसर जिसको सूबाई हुकूमत ने इख्तियार दी हो। 299 में, सेक्शन 299 में इसको डिफाइन किया गया है कि अथराइज मेडिकल ऑफिसर से मुराद वो ऑफिसर है जिसको सूबाई हुकूमत ने इख्तियार दिया हो, उसको अथराइज किया हो। इसी तरह इसमें कहते हैं कि पब्लिकली
ऐसे शख्स से कि सांस लिया जाएगा, यानी सरेआम और आवाम के सामने इससे कि सांस लिया जाएगा। अगर विक्टिम का हाथ काटा गया है तो जो ऑफेंडर है, ऑफेंडर का भी उस तरीके से हाथ काटाया जाएगा और वो पब्लिकली होगा, अवाम के सामने होगा। फिर ये अतराज मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी बयान करते हुए कहते हैं कि ये एग्जामिन करेगा, ये जो मेडिकल ऑफिसर है ये देखेगा और ये ख्याल रखेगा, केयर करेगा और इस बात की यकीन दहानी कराएगा कि जो विक्टिम है, जो कि ऑफेंडर है, उससे जो किसास लिया जाता है उसमें कोई कमी बेशी ना किया जाए। इस तरह ना हो कि किसास लेते हुए उसका मौत वाक्य हो जाए या जिस तरीके से उसने विक्टिम को हर्ट पहुंचाया है उससे ज्यादा हर्ट उसको पहुंचाया जाए या उससे कम पहुंचाया जाए। तो सिमिलरिटी का ख्याल रखना ये अतराज मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी होगी। अच्छा आगे कहते हैं, द वली शैल बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन एंड इफ वली और हिज रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट प्रेजेंट आफ्टर हैविंग बीन इनफॉर्म्ड ऑफ द डेट टाइम एंड प्लेस बाय द कोर्ट एन ऑफिसर अथराइज बाय कोर्ट in this behalf shall give permission for the execution of qisas। isme mazid ek procedure bataya gaya hai ki agar victim ke jo wali honge wo execution ke dauran qisas ke taameel ke dauran maujood honge ya agar wo nahi to unke authorized legal representative unke namainde maujood honge aur इनको अदालत इन्फॉर्म करेगी कि फला वक्त पर फला जगह पर आपका जो ऑफेंडर है, जो मुजरिम है, उसका किसास लिया जाएगा और इसके लिए आपका मौजूद होना जरूरी है। तो इन्फॉर्म करने के बाद भी अगर वो मौजूद ना हो जाए, वो ना पहुंचे उस जगह पर उस वक्त पर, तो फिर अदालत किसी अतराइज शख्स को बताएगा कि एग्जीक्यूशन कर ले और उसका किसास लिया जाएगा। यानी अगर उनको इन्फॉर्म किया जाए तो फिर उनके आने का इंतजार नहीं किया जाएगा। अगर उसी वक्त पर उसी जगह पर जो अदालत ने बताया है अगर वो ना पहुंचे तो उनके गैर मौजूदगी में भी किसास लिया जा सकेगा। आगे, इफ द कन्विक्ट इज अ वुमन हु इज प्रेग्नेंट, the court may in consultation with the authorized medical officer postpone the execution of qisas up to a period of 2 years after the birth of the child. During this period she may be released on bail on furnishing of security to the satisfaction of the court, or if she is not so released shall be dealt with as if sentenced to simple imprisonment. yahan par ek hamila aurat ko relief di ja rahi hai, क्योंकि हामिला औरत के पेट पर बच्चा होता है तो उस बच्चे के हकतलफी ना होने की वजह से, इसी वजह से कि उस बच्चे की हकतलफी ना हो जाए, तो इस सेक्शन में कहते हैं कि अगर कोई हामिला औरत हो तो उसके लिए 2 साल तक रियायत की जाएगी। यानी इसमें कहते हैं कि अतराज मेडिकल ऑफिसर से मशवरा किया जाएगा, वो मेडिकल ऑफिसर, वो डॉक्टर, वो एग्जामिन करेगा, वो तशखीस करेगा कि आया ये जो वोमेन है, ये जो औरत है, अगर इससे किसास लिया जाए तो इसके पेट पर जो बच्चा है उसको नुकसान पहुंच सकेगा, उसको नुकसान पहुंचने का इहतमाल है। तो अगर मेडिकल ऑफिसर ये रिपोर्ट देगा कि बच्चे को नुकसान होने का खदशा है तो फिर उसमें उसको 2 साल तक जमानत दी जा सकेगी और वो जो एग्जीक्यूशन ऑफ किसास है उसको 2 साल तक पोस्टपोन किया जा सकेगा, उसको 2 साल तक मुलतवी किया जा सकेगा। और फिर जमानत की भी बात हो रही है कि उसको, ऐसे औरत को जमानत भी हो सकेगी और इसके लिए वो सिक्योरिटी यानी
जो मशरिक है उसको जमा कराएगी वो औरत, और अगर उसकी जमानत ना हो सके यानी अगर उसने जो जुर्म किया है जो फीमेल है वो इंतहाई सीरियस है जिसकी वजह से उसकी जमानत नहीं हो सकती, तो उसको जो फीमेल है जो कन्वेक्ट है उसकी जो एम्प्रेजनमेंट होगी उसकी जो केयर होगी वो सिंपल होगी यानी रेगुलर बामुशक्कत नहीं होगी, बेमुशक्कत होगी उसकी वो एम्प्रेजमेंट वो केयर। शॉर्टली हम ये कहेंगे कि इस सेक्शन में वो मुजरिम जिसने किसी को जरर पहुंचाया हो हर्ट पहुंचाया हो उसकी एग्जीक्यूशन का उसकी तामील का तरीका बताया गया है कि उससे किसास कैसे लिया जाएगा। तो पहले इसमें कहते हैं कि वो किसास पब्लिकली होगी, अतराज मेडिकल ऑफिसर से मशवरा किया जाएगा इस हवाले से, और इसी तरह वो उसकी ड्यूटीज हैं वो बताई गई हैं, और तो बताते हैं कि उसके जो वली होंगे विक्टिम के वो मौजूद होंगे या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होंगे, और अगर वो मौजूद ना हो बजाय इसके जबकि अदालत ने उनको इन्फॉर्म किया हो जगह वक्त बताया हो फिर भी वो मौजूद ना हो तो उनके गैर मौजूदगी में भी किसास की एग्जीक्यूशन हो सकेगी। और फिर आखिर में हामिला औरत को रिलीफ देने की बात इसमें की गई है। तो उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे दोस्तों, आसान सेक्शन है, तब भी अगर कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। और मजीद वीडियोस लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल उम्मा एकेडमी फिलहाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिए।